सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंशुल एंड यू आर वॉचिंग योर्स एंड ओनली योर्स पैरासा चैनल, एक ऐसी लर्निंग स्पॉट जहां पर आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेकर आ गया हूं क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज और पैरेलल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं दैट व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो द रजिस्टर्स और लोड्स आर कम्बाइंड इन ए सीरीज और लाइन एंड दे गेट सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई बट एन इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी। यानी कि जब रजिस्टर्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, यानी कि जब रजिस्टर्स या इन्हें हम लोड्स भी कह सकते हैं, जब रजिस्टर्स या लोड्स को एक ही लाइन में, एक ही सीरीज में, एक ही सिंगल लाइन में कंबाइन किया जाता है किसी सर्किट में, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल सपोज ये एक रजिस्टर है R1 और ये एक रजिस्टर है R2, तो अगर मैं इन दोनों को एक ही सिंगल लाइन में यानी कि एक ही सीरीज़ में कंबाइन कर दूं, तो ये एक एग्जांपल है सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अब ऐसे कॉम्बिनेशन में दोनों रजिस्टर्स में से सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, यानी कि जितने एम्पेयर का करंट इसमें से जाएगा, उतने ही एम्पेयर का करंट इस दूसरे रजिस्टर में से भी फ्लो होगा, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सारे लोड्स में से फ्लो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन जो वोल्टेज रहती है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब में अलग अलग रहती है। हम जानते हैं कि रजिस्टर्स देते हैं रेजिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि रोकता है, और इस प्रोसेस में वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वेस्टेज होती है। सौ बात की एक बात कि रेजिस्टर्स वोल्टेज खाते हैं, यानी कि जितने वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर में होगी उससे कम वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर में होगी। सो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट आई सारे रजिस्टर्स में सेम रहता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस वी या वोल्टेज सब में अनइक्वल रहती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन? सो द रजिस्टर्स आर कॉम्बाइंड एज पैरेलल लाइंस एंड दे गेट सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी बट अनइक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई। यहाँ पे पूरा उल्टा है ना? यानी कि जब हम रजिस्टर्स को, सपोज ये एक रजिस्टर है R1 और ये एक रजिस्टर है R2, यानी कि जब हम इन दोनों रजिस्टर्स को पैरेलल लाइंस की तरह कंबाइन कर दें इस तरीके से, ये एक, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहाँ पर रजिस्टर्स एक पैरेलल लाइन की तरह कंबाइन है, ठीक है, पैरेलली। ये एक सीरीज में तो है नहीं, यह पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है यानी कि वोल्टेज दोनों में सेम वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है वो दोनों में सेम नहीं रहता है। यानी कि जितने एम्पेयर का करंट यहाँ से जा रहा होगा सप्लाई से, वो यहाँ पर जाके इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा यानी कि बट जाएगा। अगर सपोज़ ये वाला रजिस्टर की वैल्यू है 2 ओम और इस रजिस्टर की वैल्यू है 3 ओम, तो
जिस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें से कम करंट फ्लो होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से आसानी से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में अनइक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो होता है लोड्स या रेजिस्टर्स में से। तो ये थी पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन की मेन कुछ बातें। और अब हम लोग समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दिया गया है। सपोज ये एक रजिस्टर है R1 एंड लेट दिस टू बी R2 एंड दिस लोड टू बी R3। R1, R2 एंड R3 दीज आर थ्री रजिस्टर्स इन दिस सर्किट। ये लॉन्गर एंड है पॉजिटिव टर्मिनल और ये शॉर्टर एंड है नेगेटिव। तो करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो हो रहा होगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा होगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सारे रेजिस्टर्स में से सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। ये अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अनइक्वल रहता है। तो सपोज इस रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, इस रजिस्टर में होगा V2 एंड लेट इन दिस रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस टू बी V3। नाउ अब ओम्स लॉ से हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR। तो हम ये लिख सकते हैं इस सर्किट के बेसिस पे कि V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। ये V1, AR1, V2, R2, V3, R3 और I तो सब में सेम ही है। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन आ जाती हैं ओम्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं, लेट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस टू बी V, और V इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब यहाँ पे अगर हम इन सब की वैल्यू रख दें, V की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं IR, ये रख दिया हमने IR, V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3। तो अब हम दोनों साइड से I को हम कॉमन ले सकते हैं। सो I से I कैंसल और हमें यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज़ R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला, इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसे हम निकाल सकते हैं। सपोज ये रेजिस्टर है 5 ओम का एंड दिस लेट टू बी 3 ओम, और मान लेते हैं कि ये रजिस्टर है 6 ओम का,
तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, दैट इज 5 + 3 + 6 एंड दैट इज फाइनली 5 3 8 8 6 14 ओम। तो अब हम लोग समझते हैं इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ पे भी हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। सपोज़ ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है एंड दिस लेट टू बी R3। ये लॉन्गर एंड पॉजिटिव टर्मिनल, ये शॉर्टर एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इस डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा और यहाँ पे आके इन तीनों में बट जा रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। तो अब इस बैटरी की कुछ वोल्टेज होगी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, लेट दैट टू बी वी। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है और वो हो गया वी, लेकिन सब में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू अनइक्वल रहती है। तो हम सपोज़ करते हैं कि इस रजिस्टर में हम सपोज़ करते हैं कि R1 में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है I1, R2 में है I2 और R3 में होगी सपोज़ R3। तो इस डायग्राम से, इस सर्किट से हम ये निकाल सकते हैं, दैट इज I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। अब ये सारे फॉर्मूले कहाँ से आए? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है और यहाँ से I की वैल्यू आ रही है V अपॉन R। तो इस फॉर्मूले से हमने ये सारे तीनों फॉर्मूले निकाल लिए इस डायग्राम के बेसिस पे। अब टोटल इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम I मान लें और हम जानते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। अब इन सारे I की जगह हम इनकी वैल्यू रख दें V अपॉन R की फॉर्म में तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा। I की वैल्यू V अपॉन R यहाँ से मिली, I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। अब इन सब में से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस V को कॉमन ले लें तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला मिल जाता है जो कि है I1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस को निकालने में, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के सर्किट में। सो आई होप कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय।